देश के बड़े उद्योगपति नीता अंबानी और मुकेश अंबानी की फ्रेंचाइजी टीम मुंबई इंडियंस ने क्रिकेट के इतिहास में बहुत बड़ा इतिहास रच दिया है। जी हाँ, आपको बता दें, वीमेंस प्रीमियर लीग के पहले संस्करण में मुंबई इंडियंस की टीम ने इस फाइनल मुकाबले को जीतकर इतिहास रच दिया है। आपको बता दें कि यह फाइनल मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच में खेला गया था। आपको यह भी बता दें कि इस फाइनल मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 131 रनों का स्कोर बोर्ड पर दर्ज किया था। वहीं दूसरी पारी में जब मुंबई की टीम इस स्कोर को चेज करने के लिए आई तो मुंबई की टीम को शुरुआती समय में इस रन चेज करने के समय में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन आखिर में आके 3 विकेटों के नुकसान पर मुंबई ने 134 रन बना के इस फाइनल को अपने नाम किया। वहीं आपको यह भी बता दें कि इस फाइनल मुकाबले के बाद प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का नाम हेलिज मैथ्यूज के नाम रहा है। वहीं इसके बाद जो सबसे बड़ा नाम आ रहा है वो वेस्ट इंडीज की खिलाड़ी हेलिज मैथ्यूज का ही है। यह टूर्नामेंट बहुत बड़े पैमाने पर किया गया था। यह पहली बार वीमेंस के किसी क्रिकेट लीग के रूप में टूर्नामेंट खेला गया था। वहीं इस टूर्नामेंट में करीब 6 टीमों ने भाग लिया था, जिसमें से मुंबई इंडियंस की टीम ने इस टूर्नामेंट को पहले संस्करण में अपने नाम करने में कामयाब रही है। वहीं आपको यह भी बता दें कि मुंबई इंडियन की जो फ्रेंचाइजी टीम है, उस जो पुरुषों की टीम है, उसने इस खिताब को 5 बार उठाया है। अभी के लिए बस इतना ही। कैमरामैन विशु के साथ मैं उस्मान खान, ACP नेटवर्क, पानीपत।